गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। सभी वैद्य जुड़ रहे हैं, आप सभी में विद्यमान वैद्यों को नमस्कार, और जो भी वैद्य नहीं है उन सभी में विद्यमान अचिंत्य शक्ति को नमस्कार। जय सुश्रुत। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमने इंटरएक्टिव सेशन रखा है, तो आप कभी भी इसमें रिक्वेस्ट भेज के क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। पूरा प्रयास रहेगा कि हम मनोवह स्रोतस के ऊपर बात करें, माइंड से रिलेटेड बात करें, हेल्दी माइंड से रिलेटेड बात करें। ये जो चीज़ हमने सोची वो अभी प्रेजेंट बर्निंग इश्यू, डिप्रेशन और मेंटल वेलबींग के रिलेटेड सोची है, और ये ऑल ऑफ अ सडन माइंड में आया था। हमने ट्राई किया था कि हम तंत्रयुक्ति का सेशन ले, पर तंत्रयुक्ति के अलावा प्रायर में हमने साइड बाय होके ये सेशन रखा है। तो चलिए सब जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से हम सेशन शुरू करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी या एनी अदर मेंटल स्टेटस, मेंटल डिस्टर्बेंस, जो भी रिलेटेड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जस्ट स्टक टू द टॉपिक, हमारे क्वेश्चन उसी के मुताबिक रहे, ऐसा पूरा ट्राई करेंगे हम। और ज़्यादा ट्राई ये करना कि जो भी आप सवाल पूछे वो नॉर्मल लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि ये सेशन जो है वो हमने आयुर्वेद के लिए नहीं पर सभी जनरल लोगों के लिए रखा है, तो क्वेश्चन उसी के हिसाब से पूछे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, किसी से बात करते हैं। हेलो, रिक्वेस्ट शेयर करके। कौन है और? साक्षी, अगर आपने रिक्वेस्ट भेजा है तो जल्दी से उसे एक्सेप्ट करने का ट्राई कीजिएगा। और यस, मिस्टर निक, तो फिर रिक्वेस्ट ही क्यों भेजते हो भाई, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो डिप्रेशन एंड योगा, चलिए होपफुली ये ज्वाइन करेंगे। आशुतोष, हेलो। जय सुश्रुत सर, जय समिता। जय समिता, कहते हैं सर आप? मेरा कैमरा ऑफ हो गया शायद। यस यस, एकदम बढ़िया। आपके सवाल के ऊपर आइए जल्दी से। यस सर, ज्यादा लोगों को सर डिप्रेशन, जैसे कि आजकल जो डिप्रेशन का कॉज है हमारी सोसाइटी के अंदर, आजकल हम जैसे एडोलेसेंट जो एज वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं सर इस चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो सर इस बीच में हमें कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन होना किस तरीके का चाहिए सर हमारा? ठीक है, देखिए जो भी प्रॉब्लम रहती है ना उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन को कैसे लिया जाए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है सबसे पहले। तो
जैसे कि बताते हैं अलग अलग तरीके से मेडिसिन लोग मेडिकल मेडिटेशन लोग करते हैं, तो वो अलग तरीके से अलग ब्रेन के और आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्यों करना चाहिए वो पता होना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ऐसे आंख बंद करके पद्मासन में बैठ के आप शुरू हो गए कि मुझे विचार शून्य होना है, तो वो मेडिटेशन नहीं है। विचार शून्य हम हो ही नहीं सकते, बराबर है? विचार शून्य होना वो एक ऐसी कंडीशन है कि आप मृत हो, आप डेड हो। मन का काम ही है विचार, उही ध्येय, ये सब मन के फंक्शन है। तो विचार सबसे पहला है उसमें, तो विचार तो मन करेगा ही, पर आप बिल्कुल क्या कर सर, सकते हो, आप उस विचार के प्रति जागृत हो सकते हो, बराबर है? आपको कौन से विचार आ रहे हैं उसके प्रति जागृत हो सकते हो। तो मतलब जो भी विचार है उसके प्रति कॉन्शियस रहना, वो आपका काम है, वो मेडिटेशन का काम है। आप जागृत होके वही काम कर सकते हैं, बराबर है? मेडिटेशन उसी के हिसाब से किया जाना चाहिए। जब भी आप ध्यान में या फिर मेडिटेशन में बैठे तो आपके विचारों के ऊपर, जस्ट लाइक यू वॉचिंग अ मूवी, थिएटर में बैठे हैं, मूवी में कुछ सीन आ रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, आप फिर से अपनी जगह पे आ गए हो, 3 घंटे का मूवी खत्म हुआ, आप थिएटर से बाहर निकले, आप रियलिटी में आ गए। तो मेडिटेशन में भी यही रहेगा कि आप ध्यान में बैठे हैं, आपको विचार आना शुरू हुए, विचार शुरू होने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जैसे आप ध्यान से बाहर निकले, तो वो विचार आपके जिंदगी से निकल जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे ये गंदे विचार आ रहे तो हाय 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 मैं कितना गंदा इंसान हूँ, और ऐसे भी नहीं कि मुझे बहुत सारे अच्छे दान के विचार आ रहे थे, धर्म के विचार आ रहे थे, तो मैं तो मोहक बड़ी संत महात्मा आत्मा हूँ, ऐसा भी नहीं। वो सोचना ही नहीं है, जो भी विचार आया उसे देखा एंड लेट इट बी, लेट इट गो, वो वहां से चला जाना चाहिए। तो ये ध्यान होना चाहिए, इसी को विपश्यना बोलते हैं हम, बराबर है? और विपश्यना ध्यान की उत्तम सिद्धि साधना होती है, वो आपको हर तरीके से मदद कर सकती है मेरे हिसाब से। और विपश्यना में शब्द जो है वो पश्य है, दृष्टि नहीं है। पश्यति मतलब सिर्फ देखना, उसको आप जज नहीं करते हो। दृष्टि में आप एनालिटिकल हो जाते हो, दृष्टि मतलब एनालिसिस करना, आप एनालिसिस नहीं करते हो, आप विचारों का एनालिसिस नहीं करते हो वहां पे, आपको सिर्फ देखना है कि कौन से विचार आ रहे हैं। तो विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है विपश्यना में, बराबर है? और उस तरह से वो काम करेगा। तो आप विपश्यना डेफिनेटली कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कभी भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, विपश्यना आपको हर तरीके से मदद आएगी। दूसरी चीज जो आपने बताई कि एडोलेसेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है करियर ओरिएंटेड या फिर ब्रेकअप, ये दो ही चीजें हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो करियर के हिसाब से आपको आपके फ्यूचर के रिलेटेड है, तो आप फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में जीना शुरू करें, क्योंकि काल जो है वही इसका हल है। प्रेजेंट में जीना, न भूतो न भविष्यति, ऐसे जीना जब शुरू करेंगे तभी इसके लिए आप खुश मिजाज होके भविष्य में जो भी चीज आने वाली है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो भूत भविष्य दोनों में नहीं, सिर्फ वर्तमान में जीना है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज ये एडोलसेंट जो एज है वो 10th और 12th और कॉलेज, ये जो है वो आपके एकेडमिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है? तो उसमें जितना भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से देखना शुरू करें। मतलब मैं अगर फेल हो गया तो, मुझे अगर फर्स्ट क्लास नहीं मिला तो, मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिला तो, मतलब जो फेलियर की बात है, जैसे छिछोरो मूवी में बताया था कि सक्सेस मिलती है तो उसे कैसे सेलिब्रेट करना है वो हमें सिखाया जाता है, पर फेलियर को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो वो सीखने की जरूरत है। फेलियर हुआ भी, दैट इज ऑल्सो फाइन, आप दूसरा ट्राई कर सकते हो, उसके बाद भी लाइफ बहुत पड़ी है, बाकी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके अलावा भी, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और रही बात मार्कशीट की, तो मैं जैसे हर बार बोलता हूं, तो जो मार्कशीट है वो एक जरिया है आपको आगे ले जाने के लिए। मतलब 10th में से आप 12th में जाओगे, उसका एक सर्टिफाइड पेपर है कि आप एलिजिबल हो आगे जाने के लिए। वो ये नहीं बताता कि आपका इंटेलेक्चुअल या आपको कितना आता है, आप में कितनी एबिलिटी है,
बराबर है। और मार्क्स की बात आई तो मार्क्स के लिए मेरा थिंकिंग एकदम अलग है। मैं इसके बारे में ऐसे सोचता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है, पर जो मार्क्स बताते हैं और उसके हिसाब से, मतलब कोई दूसरा आपको बताएगा कि आपको कितना आता है, ये है मार्कशीट। कोई आपको सर्टिफाइड करे और आप सोचो कि मुझे कितना आता है, या फिर मैं कितना कैपेबल हूँ, या मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। आपने अपनी खुशी का रिमोट जो है वो दूसरे किसी इंसान के हाथ में रखा हुआ है, आपने किसी बोर्ड के हाथ में दिया हुआ है, आपने किसी मार्कशीट के हाथ में दिया हुआ है, तो ये एकदम गलत चीज़ है। मार्क्स की बात करें हम, तो मार्क्स में कैसा होता है, जैसे 10th और 12th की ही बात करते हैं हम, तो आपने पूरे साल जो मेहनत की है, पूरे साल कितनी रातें जागे हैं, कितना कुछ पढ़ा है, वो सभी चीजें जो है वो आपको कोई एक इंसान जिससे शायद पूरा सब्जेक्ट आता है या फिर नहीं भी आता है, मतलब कौन सर कैसे पेपर निकालते हैं वो हमें पता नहीं है, तो वो अपने नजरिए से पेपर निकालते हैं। आपने पूरा 90% सिलेक्ट किया, सिलेबस कवर किया, और अगर ऐसा रहा कि उन सर को जो बाकी का 10% आपने नहीं पढ़ा वही उनका फेवरेट है, या फिर उनको सबसे ज्यादा वही आता है, तो वो 10% में से वो पेपर निकालेंगे, और आपने उतनी मेहनत की है वो कोई नहीं देखेगा, पर वो 10% के हिसाब से आपको जज किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। कोई जज करे वो मैटर नहीं है, पर आप खुद को दूसरों के नजरिए से जज करते हो वो मैटर करता है। दूसरी चीज ये कि आपने पूरे साल जो मेहनत की वो कोई और पूछेगा और आपको उसके हिसाब से उसको 3 घंटे में बताना है कि सर मैंने पूरे साल में या फिर 2 साल में इतनी मेहनत की है, ये मैं आपको 3 घंटे में बताता हूँ। उस 3 घंटे में भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं, आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, एग्जामिनर जो है वो आपके आसपास ही घूमता रहता है, आसपास के जो स्टूडेंट्स है वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, बराबर है, ऐसे फैक्टर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसके बावजूद आपने ट्राई किया कि आप पूरा 100% दे पाओ, बराबर है, आपने अपना 100% दे दिया, फिर क्या होता है, बिल्कुल पेपर में बंद वो लिफाफा दूसरी किसी जगह पे जाता है जहां पे कोई एग्जामिनर उसको चेक करेगा। अभी वो दूसरे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपके मार्कशीट में, वो मैं बताता हूँ, वो जब पेपर चेक करने के लिए बैठा, सुबह आया तब चाय अच्छी नहीं थी, या फिर उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया, बच्चों ने परेशान कर रखा था उसे, तो इन सभी वजह की, सभी चीजों की वजह से वो जब पेपर चेक करने बैठे फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में थे, पहला ही आपका पेपर आया तो जो जितनी भी भड़ास है वो आपके पेपर पे निकल जाएगी। आपने 90% अटेंड किया था और आपके 99% मार्क्स आने वाले थे, वो कट ऑफ होके 65 पे आ गुजरे, बराबर है। इसी के ऑपोजिट आप देखो तो अगर कोई इंसान एकदम हैप्पी है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम खुश मिजाज है, और वो आपका पेपर चेक करने के लिए बैठा, तो वो आपको पूरे 99% मार्क्स देगा। वही इंसान अगर किसी ऐसे इंसान जिसने पूरे साल में कुछ नहीं किया, जैसा कि हम देखते हैं कि इसने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी उसे कुछ भी नहीं मार्क्स आने वाले थे, उसको 75 मार्क्स मिल रहे हैं, बिल्कुल सर, बराबर है, तो ये भी दूसरी चीज है। इसके बाद आपकी मार्कशीट रेडी हो गई, इतने सारे फैक्टर, उसको चाय नहीं मिल रही है, उसके सर के ऊपर पंखा चालू नहीं है, कोई परेशान कर रहा है, ऐसे इससे बहुत सारे, शाम को जाने का वक्त हो गया उसी टाइम आपका पेपर आ गया, तो ऐसे राइट टिक करते 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 वो तुरंत मार्क्स देके वहां से चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी सिस्टम है, इस तरह से हमें मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद मार्क्स मिलने के बाद दूसरी चीज ये होती है कि जो भी डेटा या मार्कशीट बनाते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो ऐसे ऐसे टाइप कर रहे हैं, 9 लिखने वाले थे, 95, और उसी समय किसी ने बात की और 9 की जगह पे 6 टाइप हो गया। ये मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, मैं ये मतलब 1,000 या 1 लाख में एक किस्सा ऐसा बनता है, पर अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आपने ओवर एक्सपेक्ट किया और वो किस्सा आप ही बन चुके, तो किसी और की गलती का भुगतान जो है वो आपको करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी तो, बराबर है, उसे उसे अचानक से छींक आ गई, तो जो 80 मार्क्स आने वाले थे, 80 मार्क्स आने वाले थे, वो अचानक से 60 पे चला जाएगा। ये सब कुछ होता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है,
बराबर है। तो मार्क्सशीट के हिसाब से आपको सोचना ही नहीं है, आपको खुद को पता रहना चाहिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा यहाँ पे, पर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं वो अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर काम करते हैं, पर जब फील्ड में बात कम करने की बात आती है तो गोल्ड मेडलिस्ट उतने सक्सेसफुल नहीं देखे जाते। ये भी फैक्ट है, मैं खुद की मनधड़क बातें नहीं कर रहा, पर ये देखा जाता है कि गोल्ड मेडलिस्ट अच्छे क्लिनिशियन नहीं बन पाते हैं। बराबर है। और उसके सामने जिनके मार्क्स नहीं आते उनका क्लिनिक बहुत जोरों शोरों से चलता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके तो इतने मार्क्स थे और चल रहा है, क्योंकि मार्क्सशीट कभी भी इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बताता नहीं है। वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ गुजरात में वो पीली मार्कशीट आती है, बाकी स्टेट में कैसी आती है मुझे पता नहीं। तो वो मैं हर बार अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये जो पीला पेपर है ना, वो सिर्फ यही बताएगा कि आप आगे जा सकते हो या नहीं जा सकते, उसके अलावा वो कुछ नहीं बताएगा। आपका आईक्यू कितना है, आप कितना मेहनत कर सकते हो, आप कितने वर्क एफिशिएंट हो, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चलेगी, ये वो पीली मार्कशीट कभी नहीं बताएगी। तो करियर ओरिएंटेड या फिर जितना भी डिस्ट्रेक्शन आपको आता है उसमें आप ऐसा मेडिटेशन कर सकते हो, और ये पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो मार्कशीट या फिर जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है ये सब आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यस सर, थैंक यू सो ठीक मच है, सर। चलो यस सर, मिलते हैं, अभी कोई और ओके है। सर, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये क्वेश्चन क्वेश्चन बाय बाय। और कोई है दूसरा? आयुर्वेद हमारा महान, एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना है कि हमारे आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई है उसका मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है, कि हम किस तरीके से अपने डेली रूटीन को रखें कि हम मेंटली स्ट्रोंग रहें। बहुत बढ़िया सवाल है। दिनचर्या में जितनी भी बातें बताई गई है ना, आप तो पहले सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आयुर्वेद में जो बताया गया है उसमें शरीर और मन, सत्व आत्मा शरीर इंद्रिय, ये सब एक चीज है, एक कंपोनेंट है, वो अलग नहीं है। मतलब जैसे हम अभी सिनेरियो देख रही है कि मेंटल हेल्थ को अलग इंपोर्टेंस दिया गया है बावजूद के फिजिकल हेल्थ बराबर। फिजिकल हेल्थ के लिए इतना कुछ करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते। पर आप आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसके अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में मन को एक सूक्ष्म स्वरूप बताया गया है जो कि बॉडी का पार्ट है, वो शरीर से अलग नहीं है बराबर है। तो दिनचर्या में शरीर रक्षण, स्वास्थ्य रक्षण हेतु जितने भी उपाय बताए गए हैं वो अल्टीमेटली आप मन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपल जवाब है आपके पूरे सवाल का। डिटेलिंग अगर इसकी हम करें तो जैसे मैंने बताया कि मन जो है वो शरीर का एकदम सूक्ष्म भाग है, और इतने मन जो है वो अणुत्व एकत्व जैसे पता है ना मन के गुण, वैसे ही कि मन एक माइक्रो लेवल के ऊपर काम करने वाला एक द्रव्य है, एक पदार्थ आप समझ लीजिए, और वही अगर ग्रोस लेवल पे आप जाए तो वो एक शरीर है, शरीर का एक भाग मन है, मन शरीर में अंदर स्थित रहता है। तो जैसे ही जितना कुछ आप शरीर के लिए करेंगे वो सभी अल्टीमेटली मन को पहुंचेगा। तो जितने भी स्नेहन के लिए बात बताई गई है, कर्णपूरण, नस्य, तर्पण आदि, वो सभी अल्टीमेटली मन के ऊपर काम करते हैं। पादाभ्यंग के लिए तो सबसे ज्यादा बताया गया है कि वो मन को करता है। अभ्यंग के बारे में भी बताया गया है कि मन शरीर और दोनों दोनों को वो, अच्छा मुझे कोटेशन याद नहीं आ रहा, वो दोनों के ऊपर काम करता है, दोनों को स्थिर करता है, दोनों को स्टेबिलाइज करता है बराबर है। ये है दूसरा व्यायाम। व्यायाम के बारे में मुझे आज खास बात करनी थी। व्यायाम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर व्यायाम को कहीं ना कहीं हमने एक्सरसाइज से कोरिलेट कर दिया, और प्रेजेंट सिनेरियो जैसे काम कर रहा है कि
व्यायाम जो है वो जिम में जाके करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो जो जैसे हम कॉपी करते हैं लोगों को, सेलिब्रिटी को, तो उस वजह से जिम का जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा अभी चलन में आया है। ये मुझे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, पर ज्यादा चलन में आने के बावजूद भी अगर आप देखें तो जिम जाने वाले व्यक्ति भी अस्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही आप जिम छोड़ देते हैं तो आपको उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये जिम में जाने वाला कोई भी इंसान आपको बता सकता है, बराबर है। आयुर्वेद में व्यायाम के लिए बात की गई है, आयुर्वेद में बॉडी बिल्डिंग के लिए बात नहीं की गई। आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने के लिए आपको व्यायाम करना है, आपको बॉडी फिजिक बनाने के लिए नहीं। जिम में जाके आप क्या बनते हो? आप मुर्गा बनते हो जिम में जाके। आप देखिए जितने भी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप ग्रोसली देखे ना तो वो मुर्गे जैसे लगते हैं, क्योंकि शरीर ऊपर से बड़ा मुर्गे का जैसे रहता है ना वैसे, और पाँव जो है वो छोटे, तो मतलब ऐसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो मुर्गे की तरह सुबह जाके वही काम करते हैं। वो गलत है, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर उसमें आपको हेल्दी रहना ये जरूरी है। व्यायाम जो है वो पहले के जमाने में करते थे, उसमें कुछ ज्यादा नहीं बोला है। आपको सूर्य नमस्कार करना है, आपको कुछ सिंपल से आसन करने हैं, और आपको कुछ फिजिक, और कुछ ना कर पाओ नेचर से जुड़ने के लिए, मन के लिए काम करना है तो नेचर से जुड़ने के लिए आप घर के बाहर निकलिए, घर में या फिर चार कोनों के अंदर बैठ के, एसी वाली जगह पे बैठ के अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो वो व्यायाम नहीं है, बराबर है। नेचर से जुड़ना है जो आपके मन के ऊपर काम करेगा, तो हेल्दी वॉकिंग वो सबसे ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो मैं वही मानता हूँ कि आप नेचर में जाए, नेचर के बीच जाए, प्रकृति के बीच जाए, और वहां पे जाके वॉकिंग करें, कुछ अलग गार्डन में जाके वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, वो जरूरी है। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि पहले के जमाने में जिम कल्चर नहीं था, अभी भी आप अगर देखें तो अफ्रीका के जंगल में जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी वगैरह जो भी है, वो सभी को अगर आप देखो तो वहां पे जिम कल्चर नहीं है, वो व्यायाम भी नहीं करते हैं, पर वो जितना काम करते हैं अपनी दिनचर्या में उनके भी सिक्स पैक्स है, उनका शरीर जितना टोंड है उतना हमारे यहाँ किसी का नहीं होता है, उतना लचीलापन हमारा नहीं होता है, वो उतनी उनकी एथलीट बॉडी होती है, इवन फीमेल की भी, बराबर है। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो जितना शरीर को काम करना चाहिए उतना ही काम करते हैं। मतलब हमारे पैरों को जब बनाया गया, जब हमारे पैर बने, तब जैसे हम ऑटो फिटेड मीटर रखते हैं ना, वैसे ही बनाया गया कि दिन में आपको इतना किलोमीटर चलना ही है, अगर आप नहीं चलते हो तो जैसे ही डार्विन का जो इवोल्यूशन की थियरी है वैसे ही कुछ ना कुछ मसल्स डीजनरेट होते हैं। और आप सभी को पता है, मेडिकल स्टूडेंट है वैसे, कि अपने पैरों में दो मसल्स ऐसे है जो अभी डीजनरेटिव स्टेज में आ गए हैं, हाथ में भी यहाँ पे फोर आर्म में इस जगह पे एक मसल है जिसका नाम है पामस लॉन्गस, वो अभी डीजनरेशन की कंडीशन में, जो कि हम हाथ से कुछ काम ही नहीं कर रहे, धीरे धीरे वो अभी इतना पतला थीन है कि वो अभी अपनी आगे की तीन चार पीढ़ी के बाद तो वो मसल उनके बॉडी में होगा ही नहीं, बराबर है। तो ये सब होने की वजह से हमारा फिजिकल जो है वो काम करने की जो मोटिव था हेल्दी रहने के लिए वो खत्म हो गया और दिखावे के ऊपर हम चले गए, ये गलत है। हमें प्रकृति की ओर वापस जाना चाहिए, तो एक्सरसाइज तो करनी ही है, उसके साथ प्रकृति से भी जुड़ना है, दिनचर्या में यही बताया गया है। तो ये सब चीजें हमें करनी है। पादाभ्यंग आप कर सकते हो, मतलब सिंपल, जो भी नॉन मेडिको या नॉन आयुर्वेदिक लोग है उसके लिए बताओ कि आपको हर रोज या फिर वीकली 3 दिन मिनिमम घी या तेल की मालिश अपने पाँव में, सोल जो होता है उसके ऊपर रात को घिसना है अच्छे से 15 से 20 मिनट, ये अच्छा है। फिर आप सुबह या फिर शाम को आपको जो भी टाइम मिले दो दो बूंद गाय के घी की अपने नाक में डालिए, ये भी आपका मेंटल स्टेटस अच्छे से डेवलप करेगा। सर के अंदर हर रोज तेल अभ्यंग करना है, मतलब ऑयलिंग करना है, मसाज करनी है अच्छे से। और जैसे ही हमने अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे सदगुरु का एक सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने बताया नित्यम सन्निहितम, मतलब हर रोज आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको आपके खुद को, बॉडी को, आपके माइंड को
अप्रिशिएट करे। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी अपनी आंखों से आप सभी को देख रहा हूँ, हम लोग इंस्टाग्राम से मिल रहे हैं, तो हम इंस्टाग्राम को इसके लिए थैंक बोलते हैं ना। जैसे मैं आपको थैंक बोल रहा हूँ, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे ही आपके हर एक बॉडी पार्ट को आपको थैंक यू बोलना है। मैं जीभ से बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी जीभ को अप्रिशिएट करना है कि आप मेरे शरीर के अंदर रह के इतना काम मेरा कर रहे हो, थैंक यू सो मच, बराबर है। आप इतने अच्छे दिख रहे हो, फेस आपका अच्छा है, तो उसके लिए आप अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को थैंक यू बोलो। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि डिप्रेशन की बात करने वाले थे हम, तो डिप्रेशन में जो चीज सबसे ज्यादा होती है, लैकिंग ऑफ अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, ये सब चीजें हमें अवॉइड ही करनी है डेफिनेटली, पर फिर भी हर कोई ये कर नहीं पाता, बराबर है। तो हमें क्या करना है, जो अप्रिशिएशन आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो खुद से करिए। आपने खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो काम किया है उसकी अप्रिशिएशन मुझसे ही मिलती है मुझे, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे संतोष है। असंतोष जो है वही डिप्रेशन के लिए जुड़ने वाली कड़ी की पहली चेन है, वो जो एक 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 कड़ी जुड़ती जाती है, उसमें सबसे पहला डिससेटिस्फेक्शन, आपको असंतोष होता है, वो चैनलाइज होके अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू डिप्रेशन। तो वो आपको बनानी ही नहीं है, वो चेन आपको शुरू ही नहीं करनी है, खुद ही शाबाश, बस इतना ही करना है। तो दिनचर्या में हर रोज रात को सोते समय आपको खुद को थैंक बोलना है, परमात्मा को थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे ये दिन जीने के लिए बोला। टू बी ग्रेटफुल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू अवॉइड डिप्रेशन, हर किसी चीज। हम हिंदू सनातन धर्म को या फिर भारतीय संस्कृति में बताते हैं, तो हम खाना खाते हैं उसके पहले भी हम प्रार्थना करते हैं। अभी ये कल्चर में नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये चलन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो गया है। जैसे कि हम बताते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो शुरू होता है हम उसे कॉपी करते हैं, तो जब तक हम कर रहे थे हमको पागल बोला जाता था, जैसे ही उन्होंने शुरू किया है अब कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग है कहने में, वो उनको कॉपी कर रहे हैं, तो वो चलन में आएगा फिर से। तो जैसे हम वो करते हैं, हम उस किसान को, हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मुझे ये खाना खाने के लिए दिया, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वही मैटर करती है आपके आत्मसंतोष के लिए। दूसरी बाहर कहीं भी खुशी ढूंढनी ही नहीं है, खुशी अंदर है। तो ये सब चीजें आपको अपने दिनचर्या में लेनी है, मानसिक स्वास्थ्य। दिनचर्या के अलावा हमें जो सद्वृत्त का पालन बताया है, और दूसरी चीज जो बताई है वो सत्वावजय के साथ अपने मन के ऊपर हमें काबू लेना है, तो वो सब चीजें आयुर्वेद की है, वो फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे हेल्दी मेंटल स्टेट के तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। इतनी कुछ चीजें मुझे अभी याद आ रही है। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि उनको नींद जो है वो टाइम पर नहीं आती है, उनको लेट आती है, तो उस वजह से वो फिर इरिटेशन वगैरह, हेडेक ऐसे रहता है, और रूटीन को सही करना भी चाहते हैं फिर भी वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको 2-3 बजे के आसपास। की आवाज ठीक से नहीं आई, पर मुझे ये समझ में आया कि आप नींद, दिनचर्या में आप जो कुछ भी करते हो वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिनचर्या हमारी शुरू कैसे होती है, वो होती है सुबह उठने से, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करो। अगर जल्दी उठना शुरू किया तो रात को नींद जल्दी से आ जाएगी। मोबाइल को दूर रखो, 10 बजे के बाद मोबाइल को यूज मत करो, कितना भी कुछ हो जाए आपको नींद ना आए, ऐसे ही आंखें खुली कर रख के पड़े रहो, नींद आ जाएगी। ये 2-3 चीजें हैं, और डिस्टर्ब है तो किस वजह से डिस्टर्ब है वो सोचिए, उसका कारण ढूंढ के उस कारण को इरेडिकेट करेंगे तो मेंटल स्टेटस भी ठीक होगा और आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। जल्दी उठेंगे तो डेफिनेटली जल्दी नींद आ ही जाएगी, पर फिर भी एक दो एक्सरसाइजेस जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा।
एक जो सबसे सिंपल है ना वो आंखों की है, आंखों की ब्लिंकिंग आपको फ्रिक्वेंटली करनी है अगर आपको नींद नहीं आ रही तो। ऐसे आप पलके खोल बंद करेंगे तो धीरे धीरे आईलिड थक जाएगी और आपकी आंखें बंद हो जाएगी। ये सिंपल रेमेडी है, आपको कुछ मेडिटेशन नहीं करना है, पलकों की एक्सरसाइज करेंगे वो थक के बंद हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा किसी और जगह से, आपको ब्लिंक करना है, मन जो है उसके पास बुद्धि नहीं है। तो मन को आप जितना जो भी काम सौंपते हो ना वो उसी में रचा पचा रहेगा और बाकी का जो भी कुछ विचार आ रहे हैं उससे वो डिवर्ट हो जाएगा, उससे वो दूर हो जाएगा, बराबर है। तो उसको किसी ना किसी काम में आपको बता देना है कि सिर्फ यही करना है। आप मोबाइल लेके रहे तो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी ये है कि उसकी जो एलईडी फ्लैश लाइट होती है वो आपको आपकी आंखों के ऊपर पड़ने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी और ब्रेन में जो भी केमिकल शुरू होने हैं सिक्रीट होना नींद की वजह से, अंधेरे की वजह से, वो नहीं होंगे और आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए मोबाइल को सबसे पहले दूर करो और ये एक्सरसाइज करो, मन को आप किसी और चीज में लगा दो। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि मन अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे किसी ना किसी काम में लगा देना है ताकि वो कुछ और सोच ना पाए, उसको कुछ दूसरा विचार ना आए। आप हिंदू संस्कृति में ये नहीं है पर मुस्लिम में जैसे कुरान पढ़ी जाती है, जो बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है उनको आपने अगर देखा है तो कुरान पढ़ते वक्त उनको एक फिजिकल मूवमेंट अननोइंगली उनके ब्रेन में फीडअप कर दी जाती है जिससे कि वो उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ा सके और कुरान पढ़ने में ही उनका दिल लगा रहे। मैं अभी मूवमेंट करके बताता हूं, वो पढ़ते हैं ना तो ऐसे करके, इसी तरह से हर एक आयत पढ़ी जाती है उनकी कुरान की। तो मन जो है वो यहाँ पे शरीर को ऐसे हिलाने में लग गया और बाकी बुद्धि को जो कुछ भी करना है वो अपना काम करेगा। तो मन को एक खंभे जैसे कुछ दे दीजिए कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको इस खंभे के ऊपर चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, बस यही काम करना है। तो ऐसे मन किसी और चीज में लग जाएगा, नींद भी आ जाएगी और नींद ना आने की वजह ढूंढ के उसके ऊपर काम करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम दूसरा सवाल लेते हैं। निकुंज, अच्छा नहीं है। हर्षद, हर्षद प्रजापति, तब तक मैं पानी पी लूं जरा। हेलो सर। हेलो, पूछिए अपना सवाल। जय सुश्रुत। जय सुश्रुत। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जो डिप्रेशन है उसको आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे ले। आयुर्वेद की दृष्टि से जैसे भी लेना है वो हम जब आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे या फिर आयुर्वेदिक स्टूडेंट से बात करेंगे तब लेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको डिप्रेशन का सोल्यूशन आयुर्वेद थ्रू चाहिए तो हम उनके साथ ही बात करेंगे। तो उसी के साथ जुड़े रहे, उसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी ज्यादातर लोग नॉन आयुर्वेदिक भी है इसीलिए। ओके ओके सर, तो अनस्टेबल माइंड को हम स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे सर? बहुत कुछ कर सकते हैं, मन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने जितने भी ये मेथड बताई है ना कि मन बुद्धू है, उसे किसी ना किसी एक चीज में लगा के रखे। अगर विचारों का फ्लो सबसे ज्यादा आ रहा है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में बताया कि हमें विपश्यना करना है। तो विपश्यना जो है वो क्या है, हमें हमारे विचारों को देखना है, जो फ्लैश हो रहा है उसे हमें सिर्फ देखना है और कुछ नहीं, बराबर है। तो विचार जो भी आ रहे हैं ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर, जितना कंट्रोल करोगे, मनोनिग्रह, मन को कंट्रोल करना वो गलत चीज है, वो करना ही नहीं है हमें, वो होगा भी नहीं, उल्टा मन हमारे ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा करेगा, बराबर है। तो मन को हमें कंट्रोल नहीं करना है, लेट इट बी, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। और जो भी आप कर सकते हो मन को आप दूसरा काम सौंप सकते हो। अगर आपको ये विचार या ये काम नहीं पसंद आ रहा तो आप ऐसा कुछ उसको दे दीजिए जो कि उसमें पड़ा रहे। मैंने जैसे बताया कि ये नमाज के वक्त या फिर
कुरान पढ़ते वक्त या फिर कुछ भी करते वक्त, मैंने मेरे बहुत सारे पारायणी वैद्य ऐसे देखे जो पारायण करते वक्त भी ऐसे ही मंत्र भी चालू रहता है, पारायण करते वक्त भी ऐसे ही मूवमेंट लगा के रखते हैं, तो मन उसमें चला गया और आप अपना काम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, बराबर है। तो किसी ना किसी एक चीज, उसको कुछ ना कुछ चाहिए तो वो आपको देना है, उसको फीड अप या उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि मन जो है वो चंचल है, उसे कुछ तो देना पड़ेगा, तो उसे कुछ ना कुछ चीज दे दीजिए खेलने के लिए और आप अपना काम अलग से कर लीजिए। बुद्धि और मन अलग है, आत्मा अलग है, आपको आत्मा से काम करना है। और विचार की बात रही तो आपको जो कुछ भी विचार आ रहे हैं ना, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेक्सुअल है, डिप्रेशन के है, सुसाइडल टेंडेंसी के है, जो भी कुछ विचार है ना, वो विचार अगर आपका कुछ रिएक्शन नहीं है तो वो विचार अनेबल है कि आपके बॉडी या माइंड को कुछ कर पाए, कुछ इम्पैक्ट कर पाए। मतलब एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे हमारे शरीर के अंदर ऐसे जैसे हम हैंगर जो बोलते हैं ना, जिससे हम दीवार के ऊपर एक लगा कपड़ा कपड़े लगाते हैं, टांग सके तो वो हमारे बॉडी के अंदर है, और विचार जो है ना वो एक कपड़ा है। अब आपको सोचना है कि आपको कौन से विचार को वहां से आया है तो वहां पे टंगे रखना है, या फिर वहां से हटा के डस्टबिन में या फिर बाथरूम में फेंक देना है, बराबर है। तो आपका बॉडी के अंदर वो हैंगर टंगा हुआ है, हर किसी विचार को आपको जज नहीं करना, मतलब देखना है और उसे वहां से जाने देना है। ओवरथिंकिंग के बारे में भी यही करना है कि जितने फ्लो आ रहे हैं उसको सिर्फ जज करो, एक विचार आया उसे देखा, अच्छा लगा तो उसे रखिए, नहीं तो कंट्रोल डिलीट, बराबर है। Okay. इस तरीके से जो भी विचार आपको पसंद नहीं है, जो आपकी एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उन सभी विचार को वहां से निकालिए, बराबर है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और वो आपका डिप्रेशन का जो सवाल है उसके लिए हम आयुर्वेदिक वालों के लिए एक सेशन रखेंगे, उसके बारे में तब हम बात करेंगे। ओके, ठीक है। सात सवाल आए हैं, पर आप अगर आ सको तो आ जाइए। कौन है? गुड इवनिंग, जय सुश्रुत। गुड इवनिंग, जय सुश्रुत। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिख रहा नहीं? रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। जी सर। मैं ये सवाल अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। हाउ टू ओवरकम, मतलब अगर लाइव आके ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। How to motivated all the time, sir? सो हो रहा सर? नहीं, पूछ लीजिए, आपका सवाल पूछ लीजिए, चलेगा। सर, एक सामान्य जन के लिए सवाल है कि अगर कोई डिप्रेशन का कोई रुग्ण है तो उसको किस प्रकार का आहार देना चाहिए, मतलब हम नॉर्मल, मतलब सभी के लिए अगर बात करें तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए उस दौरान? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे पिन पॉइंट पे आके आप अपना शायद राम थे, राम आप लेफ्ट हो जाइए ना। हाँ, मुझे इको ज्यादा आ रही है। आप अब ये जो सवाल था कि डिप्रेशन में अगर कोई है तो उसको क्या खाना खाना चाहिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन में दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आप ओवर ईटिंग करेंगे जिससे आपका वजन बढ़ेगा और ज्यादा डिप्रेशन आएगा, या फिर आप खाना ही नहीं खाएंगे जिससे आपका वजन कम होगा। दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर आपको क्या खाना चाहिए ये इससे पहले आपको डिसाइड करना है, या आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, मैं आई एम डीलिंग विथ डिप्रेशन।
बराबर है, आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे डिप्रेशन है, और ऐसे ही एक्सेप्ट करना है कि मुझे है बट दैट इज नॉट अ बिग डील, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया और सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला गया तो आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको उसे हल्के से लेना है। बराबर है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको खाना खाना क्या क्या चाहिए, जो भी चीजें आप खा रहे हो उसमें सबसे ज्यादा घी और तेल का यूज करना है, भले ही आपका वजन बढ़े। सर के अंदर अच्छे से मालिश कीजिए, आयुर्वेदिक के अंदर शिरोधारा, नस्य, पादाभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग, ऐसी जो ट्रीटमेंट है उसको एक वैद्य के अंडर कंसल्टेशन में आप उस ट्रीटमेंट का सहारा लीजिए। कुछ अच्छी सी मेडिसिन जो है वो लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात कीजिए, कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। खाना खाने के अंदर जो भी चीज है उसमें घी का प्रमाण आपको बढ़ाना है। उसके अलावा सुबह नाश्ते में या फिर कभी भी आपके जो भी नाश्ता आप ले रहे हो उसके साथ या फिर ब्रेकफास्ट में आपको एक ग्लास जितना दूध उसके अंदर 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी लेना है और शक्कर टेस्ट के हिसाब से, ये चीज आपको फॉलो करनी है। रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो 1 चम्मच पिपली मूल जिसे बोलते हैं हम गुजराती में गंठोड़ा बोलते हैं उसे, और संस्कृत में उसे पिपली मूल बोलते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा आप किसी वैद्य से पूछ के ले लीजिए। उसका क्षीर पाक, मतलब 1 चम्मच पिपली मूल, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, 1/2 गिलास पानी और टेस्ट के हिसाब से शक्कर, इसको लेके 15 से 20 मिनट अच्छे से उबाल के उस एक गिलास दूध को आप अगर सोते वक्त पिएंगे तो वो जो पिपली मूल है उसकी इफेक्ट की वजह से आपको अच्छे से अच्छी नींद आएगी, ये गारंटीड है। अगर निदान कुछ अलग है, जैसे कि कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं खुद ये कन्फेस करने में आई हैव चूजन विदाउट रिग्रेट, और मैं ये एक्सेप्ट करने में जरा भी अशेम्ड फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेशन का सर्वाइवर हूँ, मुझे भी डिप्रेशन था, इसीलिए मैं ये टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल हूँ। मुझे भी डिप्रेशन था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, ये चीज 2 साल तक चली, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे नहीं आ रहा था, मैंने बहुत कुछ किया, मुझे इन सब चीजों में से बाहर लाने के लिए बहुत टाइम भी लगा, सब कुछ किया, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे नींद नहीं आती थी उसके लिए भी नहीं, मैंने ये सब किया और आई कीप कंटिन्यू एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया, और धीरे धीरे इन सभी से मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी मुझे नींद भी अच्छे से आ रही है और ये सब चीजें मैंने की है। शिरोभ्यंग मतलब सर में तेल लगाना, पैरों के अंदर मालिश करना, नस्य प्रतिमर्श नस्य को आप डेली रूटीन बनाइए अपना, सुबह उठने के बाद 2-2 बूंद नाक में गाय का देसी गाय का घी डालना, वो सबसे ज्यादा मतलब आपको आपके ब्रेन को काम करने के लिए कंट्रोल में लाने के लिए जरूरी है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। खाना भी वैसे ही खाइए जो चीज आपके शरीर के अंदर रहे हुए वायु को कम करे। जंक फूड अवॉइड करना है, तीखा, तला हुआ, खट्टा, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। इतनी चीजें हैं आहार विहार के अंदर जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ डिटेल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आयुर्ज्योति को ले लेते हैं। हेलो हेलो, अरे यहाँ पर रात है क्या? आप पर्सनल नहीं सर, से बात कर रहे हो? नहीं सर, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है और चिमनी के सामने हूँ एक्चुअल में, और बाहर बारिश हो रही है। ओके ओके, ठीक है, आपका सवाल? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग डिप्रेशन के ओवरकम हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी उस फेज में था और अभी मुझे ऐसा लगता है, मतलब अभी उस चीज से मैं बाहर हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीजें हैं कभी कभी वो रिकॉल में आती हैं, और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा उन चीजों से मतलब हार्ड फील होता है, और कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है उन चीजों को लेकर के अपने आप के ऊपर, उस सब के लिए क्या करना चाहिए सर? सबसे पहली चीज आप जो कर सकते
वो सभी चीजें जो भी आपको फिर से उसी दौर में ले जाती है, उन सभी चीजों को, उन सभी जगह को अवॉइड करना शुरू करो। या फिर वो सेकंड ऑप्शन है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो चीजें आपके लिए मैटर ही ना करो। बराबर है? तो जो चीज आपको वो सभी चीजें याद कराती है, उन सभी चीजों के बाद एक समय आता है। टाइम इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द डिप्रेशन। जो भी मैटर कर रहा है वो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हो। मैं हर बार कोरोना के बारे में भी ये चीज बताता हूँ सभी को कि यू कैन नॉट कार्पेट द होल अर्थ बट यू कैन वेयर अ चप्पल स्लीपर। आप अपने पैरों में चप्पल पहन सकते हो। उससे बचने के लिए आप पूरे वर्ल्ड को कार्पेट नहीं किया जा सकता। तो बाकी जो भी सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आप खुद सोल्यूशन हो। तो अपने आप को उतना स्ट्रांग, उतना कंफर्टेबल बनाइए कि जो भी इंसान आपको कुछ डिमोटिवेशन, कुछ डिप्रेस कर रहा है वो आपको मैटर ना करे। जो भी चीज, जो भी जगह आपको कुछ याद दिला रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो आपको मैटर ना करे। इतना आप कर सकते हो। और जो भी चीजें हैं वो मैं यही बताता हूँ कि टाइम इज द ओनली सोल्यूशन। काल जो है वो काल की चिकित्सा हम कैसे ही कर सकते, लेट इट बी। उसको टाइम दे के समय का सम्मान किया जाता है। बराबर है? हम, मैंने पहले ही बताया, भूत भविष्य में नहीं जीना है, वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? कालस्य अनुवर्तन, काल को सम्मान देना इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू डिप्रेशन। आप बाकी की सब चीजें करके देख लो उसके साथ। मैंने भी बताया ना, मैंने सब कुछ चीजें की पर कभी वो काम करती है किसी केस में, किसी केस में नहीं करती। जब तक उसका कॉजिटिव फैक्टर आपके अंदर इनबिल्ट है, आप हर्टेड है, तब तक आप कुछ, आपके लिए डिप्रेशन की कोई चीज, मेडिटेशन वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। पर अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और काल, टाइम जो है, गिव योरसेल्फ अ टाइम, आपने टाइम दे दिया, तो डेफिनेटली यू विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम सर्वाइवर टू अ वॉरियर। आप एक योद्धा की तरह उससे जीत के वापस बाहर आ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाइडिंग होगा। संकेत, क्या पूछना चाहते हो भाई? चलो आ जाओ। योर डिप्रेशन टाइम वॉज बियॉन्ड लिमिट। हेलो हेलो कैम जा, हेलो कैम जा भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है और ऐसा है बस सो जाए, अच्छा हो जाएगा, तो वो केस में क्या करना चाहिए? मतलब सब पता है तो भी अच्छा ही नहीं लगता कि करना है, छोड़ो, सो जाते हैं, हो जाएगा सब ऐसा। वो चीज ना है ना, वो चीज ना है आपको, आपको, मुझे मेरी इको आ रही है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन था कि सब कुछ करना है, सब कुछ आपको पता है, फिर भी आप कर नहीं पाते हो, तो ये चीज जो है ना वो मेंटल की जगह पे मुझे फिजिकल ज्यादा लगती है। वो फिजिकल सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। खाना खाना है अच्छे से, नींद अच्छे से लेनी है, अच्छा हेल्दी फूड इंटेक्ट लेना है। आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ दूसरी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है उसके लिए भी आप किसी अच्छे वैद्य को कंसल्ट करें। हमारे अंदर आम एक अलग चीज है जिसके लक्षण ज्यादातर मानसिक रोग जैसे होते हैं। और दूसरी चीज मैं सभी को भी बताता हूं कि अरुचि वो भी एक डिप्रेशन है। जैसे हर्षद ने अभी पूछा था कि डिप्रेशन को किस तरह से कोरिलेट किया जाए, तो मैं डिप्रेशन को मनोअवसाद या फिर मनोरोग की तरह से नहीं पर अरुचि की तरह ट्रीट करता हूं। अरुचि मतलब किसी भी चीज में काम नहीं लगना, मन न लगना, रुचि नहीं है। बराबर है? तो वो चीज आपको एक्सेप्ट करनी है, उसके ऊपर काम करना है। शरीर के ऊपर ध्यान दो, अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छी नींद ले, अच्छे लोगों के साथ कंपनी रखे और कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। आपको जो भी आपका गोल है वो किस समय तक आपको चाहिए वो आपको देख लेना है। आपको कब तक ये अचीव करना है, इतना पैसा चाहिए, इतना स्पिरिचुअल लेवल में हाई जाना है, इतना सक्सेस चाहिए, वो जो भी कुछ है वो आपका गोल आपको डिसाइड करके उसको टाइम लिमिट के साथ अचीव करने का ट्राई करना है।
ट्राई करना है, मैं यही बोल रहा हूँ, वो अगर ना हो तो फिर से डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। टाइम लिमिट के साथ अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली अचीव होगा ही, पर वो टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाएंगे, ये फिर इस तरफ कुआ इस तरफ खाई ऐसा हुआ, बराबर है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये इसे हम आम बोलते हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जैसा कि ट्रांसलेशन में होता है, मैं उसे कुछ अलग तरीके से लेता हूँ, पर शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें जमा होती है जो आपको फिजिकली इनएक्टिव कर देती है, आपको काम करने की इच्छा तो रहती है पर शरीर साथ नहीं देता है, बराबर है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक चम्मच सूंठ का पाउडर, एक लीटर पानी, उसको 15 से 20 मिनट उसके अंदर डाल के उबालिए और गुनगुना, एक मेल्टन की या फिर थर्मोस की बोतल के अंदर डाल के उसको रखिए और गुनगुना जैसा रहे, आप चाय जैसे जितनी गर्म पीते हो उतना ही गर्म आप पीते रहिए, कंटिन्यू इतना पीते रहेंगे तो फिजिकल जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में जमा है वो सब खत्म हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे और यू विल फील एक्टिव, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये फिजिकल चीजों को कॉप अप करने के लिए ये करना है आपको, और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरा कौन है? पिनाक, चलिए आ जाइए। हेलो सर, जय सुश्रुत। जय सुश्रुत, बोलिए अपना क्वेश्चन। सर वो फेलियर और जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनको हम कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ? वो तो बहुत सिंपल है, फेलियर को एक्सेप्ट किया जाता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लिए अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। Okay. आपको पता नहीं है कि दूसरे की लाइफ, दूसरे की जर्नी कहां तक है, उसको कहां पहुंचना है, आपका डेस्टिनेशन अलग है, आप दोनों का रास्ता एक हो सकता है, आप सेम रास्ते पे कुछ टाइम के लिए जब जुड़ते हैं तो कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, पर उनका डेस्टिनेशन और आपका डेस्टिनेशन अलग है, तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डील करने की सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और दूसरा क्या बोला, फेलियर को एक्सेप्ट किया जाता है जो भी कुछ हो, और जैसे गीता में बताया, वो मोटिवेशन के बारे में उसके अलावा कुछ हमारे दिमाग में आता ही नहीं, उसमें बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारे हाथ में, कर्म फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, पास होना या फिर सक्सेस मिलना या फिर फेलियर मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है काम करना, तो हमें फल की चिंता या फिर सक्सेस को या फिर फेलियर को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ काम करना है, हमारा काम जो है जो हमें मजा आता है। और जैसे ही जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर स्पिरिचुअल गुरु जो भी कुछ होते हैं वो बताते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब डेथ। डेस्टिनेशन क्या है, हमें परमात्मा से मिलना है, कब मिल सकते हैं, जिंदा इंसान तो मिल नहीं सकते, डेथ के बाद मिल सकते हो, डेस्टिनेशन इज अ डेथ मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जर्नी जो है आपका सफर जो है वो खूबसूरत है, जैसे अरिजीत का सॉन्ग है ना शायद, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मंजिल से भी, तो ऐसी चीज है। तो जर्नी को एंजॉय कीजिए, काम को एंजॉय कीजिए, कुछ भी हो रिजल्ट कुछ भी हो वो हमें फर्क नहीं होता है। और काम को भी जैसे कृष्ण ने बताया है, श्री कृष्ण ने, कि निष्काम कर्म करना है, अपने आप को उसके अंदर इंडल्ज किए बिना, हम कर रहे हैं ऐसा सोचे बिना हमें वो काम करना है, तो आपको कभी भी फेलियर या सक्सेस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो हमें मैटर कभी नहीं करने चाहिए, ये इट इज द की टू ओवरकम दिस टू सिचुएशंस। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो खुद इतना डिप्रेस नहीं होता, लेकिन उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसकी वजह से उस पे ऐसा होता है कि डिप्रेस हो गया, तो आसपास के एटमॉस्फेयर को कैसे सर ठीक कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि अब सेल्फ सेंट्रिक हो जाओ, कछुए की तरह रहो, टर्टल जो होता है, कछुआ जो होता है उसकी तरह रहो, जब भी आपको कुछ भी लगे तो मतलब पे अटेंशन टू द पीपल,
सभी को अटेंशन पे करो, सबकी बात सुनो, पर करो या सोचो वो जो हम खुद करना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि विपश्यना करना है, हर रोज करना है, और ऐसे विपश्यना नहीं कि मैं ऐसे पद्मासन में ये मुद्रा लगा के आंखें बंद करके बैठ गया और अभी देख रहा हूँ, वो कभी भी आप कर सकते हो। जिस किसी इंसान से आप बात कर रहे हो वो सभी आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जैसे कि आप किसी एक सोसाइटी में रह रहे हो और किसी एक इंसान ने आपके घर के अंदर कचरा डाला, वो एक बाउंड्री है, वॉल है, उसके बाहर से उसने आपके घर के अंदर कचरा डाला, तो आप क्या करेंगे? उस कचरे को अपने घर में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। उस कचरे को वहीं से आप बाहर फेंक देंगे। अगर आप गुस्से में है तो आप उसके घर पे फेंकेंगे, और अगर आप स्पिरिचुअली मेंटली स्ट्रांग है तो उस कचरे को वहां से उठा के आप डस्टबिन पे फेंकेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन इज द बेस्ट। आप चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर रहे हो, आप म्यूट कर देंगे प्लीज, आप चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपने उस कचरे को डस्टबिन में डाल दिया तो वहां पे उसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसा कुछ कोई भी थॉट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे अपने शरीर के अंदर हमें रखना ही नहीं है। हर रोज जब विपश्यना करते हैं तो उस थॉट को हमें अपने शरीर से, अपने मन से बाहर निकाल देना है, हमें इरेडिकेट कर देना है। तो ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा ये चीज है कि जो भी थॉट आ रहे हैं ना, आपको किसी इंसान को जज नहीं करना, हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उसके पास से जो भी काम की चीज है वो हमें लेनी है, जो आपको डिस्टर्ब करे वो चीजें, जो आपको नेगेटिव थॉट दे वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, बस इतना आपको करना है। कौन है? श्रेया। चलिए हेलो। हेलो सर, आपको आवाज सुनाई? हाँ हाँ सर, जय सुश्रुत। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे एक पहचान वाले सर हैं जिन्होंने डिप्रेशन को ओवरकम किया है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो रोज गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्रनाम वगैरह पढ़ते थे, तो वो कैसे अफेक्ट करता है? वो मंत्र की अलग अलग कैपेसिटी रहती है, वो एक अलग पूरा टॉपिक है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट ही बाकी है हमारे सेशन को भी कंटिन्यू, और मुझे इको आ रहा है इसलिए। मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ और फिर से दूसरा सेशन शुरू करते हैं हम, जो कि 5 या 10 मिनट के लिए रखेंगे, 1 घंटा खत्म होने को आया है, या फिर फटाफट से अभी 2 मिनट है मैं ये आंसर दे देता हूँ, और नहीं मैं ये एंड ही करता हूँ क्योंकि खत्म नहीं होगा इसमें इतनी जल्दी। अभी फिर से जुड़ते हैं। तो ये जो पिछले सेशन में सवाल था उनका, कुछ लोग आ जाए तो उसके बाद बात करो।
जो श्रेया श्रेया थी शायद, हाँ श्रेया, उनका सवाल था कि ये मंत्र कैसे इफेक्ट करते हैं। वो चीज़ हमारी मतलब आयुर्वेद के हिसाब से या फिर स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से हम अलग से डिस्कस करते हैं, वो साइंटिफिक रीज़न है। अभी हम बहुत सारे नॉन मेडिकल लोग भी जुड़े हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये बताएंगे कि वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो काम करती है और साइंटिफिकली ये प्रूवन है। गायत्री मंत्र जो है वो अलग तरीके से एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिस जो हमारे ब्रेन को, हमारे मन को शांत करता है और उस तरीके से वो काम करता है। वो उसकी डिटेलिंग हम कभी और किसी एक दिन बात करेंगे जब हम सिर्फ आयुर्वेद वाले लोग हो तब, ठीक है। ये लास्ट हम किसी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ये सेशन भी हम अभी खत्म करेंगे इसी में। जागृति, हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मुझे परफॉर्मेंस प्रेशर के बारे में पूछना था, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करता है, बिकॉज इट मेक्स यू कॉन्शियस अबाउट सराउंडिंग्स एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, अबाउट योर परफॉर्मेंस, एंड जस्ट थिंक आई एम पोकिंग यू, सो हाउ टू कोप अप विद इट। मैं आपको परफॉर्मेंस प्रेशर जो है, परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको मैंने जैसे पहले ही अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको आपके काम से मतलब होना चाहिए, आपको क्या करना है उसके साथ, बराबर है। आपका काम क्या है, सिर्फ वही, आपको दौड़ना है तो दौड़ना आपका काम है, जीतना हारना वो दूसरी, वो सेकंड मैटर है। पर आपको किसी को दिखाने के लिए करना है तो मतलब आपने अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया है, वो जैसा कहेंगे वो जैसा सोचेंगे वैसे आप काम करेंगे। तो परफॉर्मेंस प्रेशर, प्रेशर जो है वो पीयर प्रेशर के जैसे ही किसी के अंडर में आके आपको काम करना है, आप काम कर रहे हो, वो आपको किसी ना किसी तरीके से डिप्रेस करेगा ही करेगा ये। और जितने लोग, मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता कि अंडर प्रेशर काम कर पाए, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता है, कुछ लोग वीवीएस लक्ष्मण भी होते हैं। तो हम परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर अच्छे से अच्छी दे नहीं पाएंगे, तो कभी भी उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, तो हमें सिर्फ काम करना है बाकी नहीं। परफॉर्मेंस प्रेशर तो आना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना है। कॉप अप कब करना है, जब परफॉर्मेंस प्रेशर आपके ऊपर हो, हमें तो निदान परिवर्जन करना है, हमें तो उस चीज से ऊपर ही उठ जाना है। कोई सोचेगा या तभी मैं करूंगा ऐसा सोचना ही नहीं है, परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा ही नहीं। हमें जो करना है, मतलब अभी मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी एक अच्छे, बहुत अच्छे इंसान से मेरी सुबह बात हो रही थी और उनके साथ मेरी बातें होती रहती है, वो बात कर रहे थे और मैंने बताया उनको, सिर्फ हमें मस्ती ही कर रहे थे, तो उस समय मैंने उनको बताया कि शाम को मेरा लाइव सेशन है और ऐसे ऐसे कुछ सवाल है और मुझे हैंडल करना है ये सब पूरा, तो मैं प्रेशर में हूँ, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। और वो हंसने लगे और बताया कि डॉक्टर साहब अब मुझे लाइव में आके बताना पड़ेगा कि जिस इंसान को डिप्रेशन के बारे में बोलना है वही इंसान खुद डिप्रेशन में है। ऐसा नहीं था, सिर्फ मजाक की बात चल रही थी, पर ये चीज होती है कि हमने ये एक्सपेक्ट किया, मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि कितने लोग आ जाएंगे, कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये प्रोग्राम सक्सेस होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला, जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किए, मुझे तो सिर्फ आपसे इंटरेक्ट करना है, बातें करना है, जैसे कि हम अभी स्टोरी वगैरह में डाल देते, बात करना इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, हमें कुछ ना कुछ शेयर करना है, सबसे शेयर करेंगे तभी इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे, शेयर करेंगे तभी हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। तो बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, बराबर है, तो वही करना है। सिर्फ प्रेशर में आके हम अगर करने जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अगर प्रेशर में होता तो जिस चीज के लिए मुझे डिप्रेशन के लिए काम करना है, मैं डिप्रेशन के लिए ही कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है।
भी और कोई है? चलो लास्ट कोई आना चाहता हो तो आयुर्वेद लवर, क्या है आपका क्वेश्चन भाई? मुझे लगता है सब शांत हो गए हैं, तो अभी हम ये एंड करते हैं। कोई है नहीं क्वेश्चन आखिरी? अनु बंगरवा, मतलब पता नहीं क्या नाम है, आप सामने आके क्वेश्चन पूछ लीजिए। सुफा मंसूरी, जो भी है क्वेश्चन जल्दी से आके पूछ लीजिए, मैं टाइप करके नहीं दूंगा जवाब, मतलब पता नहीं चलेगा मुझे ये सब। हाउ टू ओवरकम गिल्ट, गिल्ट कब आता है? जब आपको ये लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है। आपको मैंने जैसे बताया कि अकर्ता रहते हुए कर्ता होना है, आपने कुछ किया ही नहीं है। मतलब एक संस्कृत कोटेशन है, न हम कर्ता हरि कर्ता। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं, वो मैं एक माध्यम हूं, मैं किसी से जुड़ा हुआ हूं जो मेरे अंदर बैठा हुआ बोल रहा है, जो एक धातुआत्मक है वो बोल रहा है, बराबर है। तो मैं ये बोल नहीं रहा हूं, मैं ये सोचूंगा ही नहीं, तो अगर किसी को मैंने गलत मैसेज दिया तो मुझे उसका गिल्ट नहीं होगा। कभी भी आपने कुछ गलत किया तो आपको ये सोचना है आप होते कौन है करने वाले, पहले तो सवाल ही यही आता है। जब आप मेंटल लेवल की बात करें या फिर एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग की बात करें तो आप यही सोचेंगे कि हम है ही नहीं कुछ करने वाले। और ये जो चीज मैंने बताई ये बहुत बड़ा मंत्र है, न हम करता हरि करता, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा है वो हरि कर रहा है। तो आपने जो कुछ अच्छा किया, त्वदीय मस्ते गोविंदम तुभ्यमेव समर्प्यते, उसके चरणों में आपने जो कुछ भी किया वो समर्पित करने है, सेल्फलेस हो जाना है बस। तो ये गिल्ट के लिए सबसे अच्छी चीज है। और गिल्ट तभी होता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं या फिर हमसे कुछ गलत है, आपने कुछ गलत किया है, बस ये खत्म, यहाँ पे आपका गिल्ट खत्म हो जाएगा। अभी है कोई एक क्वेश्चन? अन्नु, चलो आ जाइए लास्ट, ये हमारा काम अभी खत्म हो गया, डेढ़ घंटे से मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ शायद। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बताइए आपका सवाल। मेरा क्वेश्चन है कि कैसे पास्ट में जो किया है उसका रिग्रेशन दूर हो, कैसे रिग्रेट ना हो हमें कि हमने लास्ट टाइम ये मिस्टेक कर दी थी। उससे लेसन लेना है, उसको याद नहीं रखना है, बस पास्ट में की हुई मिस्टेक से हमें लेसन लेना है, हमें सीखना है, उस सीख को याद रखना है, जो कुछ भी हुआ था उसको याद नहीं रखना है। ओके, सो समटाइम ऐसा होता है कि वो मूवमेंट माइंड से नहीं निकल पाता है, लाइक हम उसको रिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि काश वहां जाके ठीक कर पाए, बट वो होता नहीं है वैसे। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप पास्ट की कुछ भी चीजों को चेंज नहीं कर पाते, उसको रीसेट या फिर करेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए सबसे पहले। दूसरा, वो जो भी चीजें ऐसी है जो आपको उस पास्ट में या फिर उस इवेंट में लेके जाती है, आपको धकेल देती, उन सभी चीजों को अवॉइड कीजिए सबसे पहले टेम्पररी बेस पे। और उसके साथ साथ पैरेलल आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको वो सब चीजें मैटर ही ना करें। वो अगर कोई इंसान है, वो अगर कुछ इंसिडेंस है, वो कोई जगह है, वो कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई कुत्ता भी हो सकता है। आपको अगर कुछ किसी कुत्ते ने काट लिया तो वो फियर है, तो आपको वो मैटर नहीं करेगा धीरे धीरे। तो तब तक आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, वो कभी भी हो सकता है। मतलब 2 साल मुझे लगे डिप्रेशन से सर्वाइव करने के लिए, तो जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम, लिमिटलेस टाइम, और पॉजिटिव रहना है कि यस आई कैन डू दैट, मैं इस चीज से बाहर निकल पाऊंगा, निकल के दिखाऊंगा। और ये तो ये जो चीज है ना, उसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। पहली बात, कभी भी किसी और के ऊपर एक्सपेक्ट करिए ही मत, वो आपके फ्रेंड फैमिली कोई भी हो,
कोई आपकी मदद इसमें नहीं कर पाएगा, वो आपको कंडोलेंस दे सकते हैं, आपको सांत्वना दे सकते हैं, आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली यू आर द सॉल्यूशन, आप खुद ही इसके सॉल्यूशन हो, आप खुद ही इससे बाहर आ सकते हो। तो आपको अपने आप को टाइम देना है इस चीज को ओवरकम करने के लिए। तब तक आप दूसरी चीज ये मतलब उस चीज को अवॉइड करिए, अपने आप को स्ट्रांग करिए। जैसे ही आप एक हद से ज्यादा स्ट्रांग हो गए, वो जो चीज है ना वो आपको मैटर नहीं करेगी। कुछ भी हो जाए, वो इंसान आपके सामने 24/7 रहेगा ना, फिर भी वो इंसान आपको मैटर नहीं करेगा। इस तरीके से आप पास्ट को भुला सकते हो। बराबर है। चलिए अब हमारा सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबने मुझे 1.5 घंटे से सुना, और जो भी कुछ क्वेश्चन आप सभी के आए थे मैं सबको नहीं ले पाया, जो भी मुझे पॉपअप हो रहे थे जल्दी से मैंने उन सबको आंसर देने का पूरा ट्राई किया है। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा या आपको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा। और जो भी बाकी क्वेश्चन है उन सभी को सॉरी मैं नहीं ले पाया टाइम की वजह से, फिर कभी इसके ऊपर और दूसरा सेशन करेंगे, तब ट्राई करेंगे कि फिर से आपका ये क्वेश्चन ले पाऊं। ठीक है, आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू ऑल। बाय बाय, मिलते हैं। संगीता की जय हो।